हेलो गाइस, आज हम आए हुए हैं बिहार के उस पुल पे जो कि बिहार के दो ज़िलों को जोड़ता है, रोहतास और औरंगाबाद। जी हाँ गाइस, ये है जवाहर सेतु जो कि 3 किलोमीटर लंबी है और 1982 तक गांधी सेतु बनने से पहले हिंदुस्तान की सबसे लंबी पुल कहलाती थी। जहाँ तक इस पुल की बात है गाइस, तो इसे गैमन इंडिया लिमिटेड ने 1963 में बनाना शुरू किया था और 1965 में ये कंप्लीट हो गया था। तो गाइस, अब हम फाइनली सोन नदी के नज़दीक पहुँच चुके हैं और अगर मैं आपको इस नदी के बारे में बताऊँ तो ये 784 किलोमीटर लंबी है और ये छत्तीसगढ़ में अमरकंटक हिल के नज़दीक पैदा होती है और MP, UP, झारखंड से होते हुए बिहार में दौतनगर, दिल्ली, अरवल और कोइलवर होते हुए पटना की गंगा नदी में मिल जाती है। और गाइस, इस नदी के सबसे ख़ास बात यह है कि इसका बालू जो है वो पीले रंग का है और बिल्कुल सोने की तरह चमकता है, इसलिए इसका नाम सोन नदी पड़ गया है। गाइस, यहाँ से कुछ दूर पे आपको एक रेलवे ब्रिज दिख रहा है, ये बेसिकली नेहरू सेतु कहलाता है और ये जो है 1900 में अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। उस ज़माने में ये सबसे लंबी ब्रिज हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम में ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज है। और ये बिहार के दो रेलवे स्टेशन सोननगर जंक्शन और डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करता है। तो गाइस, फाइनली हमने सोन नदी भी घूम लिया और कैसी लगी आपको ये सोन नदी और हमारी वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।